चाचा चौधरी और चौखट चंद की बीमारी। सेठ चौखट चंद का घर। मैं तो दवाइयां दे देकर थक गया, पर आपके पति चौखट चंद की बीमारी अभी तक मेरी समझ में नहीं आई। इसका मतलब है मैं अब मरने वाला हूँ। डॉक्टर साहब, आप कुछ तो करिए। मैं कुछ नहीं कर सकता। आप अमेरिका के डॉक्टर इंजेक्शन को बुलवा लीजिए, शायद वही इन्हें बचा लें। अरे मेरी बीमारी मामूली नहीं है, इसलिए चाचा चौधरी को बुलवाओ। चाचा चौधरी डॉक्टर थोड़े ही है जो तुम्हें ठीक कर देगा। अमेरिका के डॉक्टर इंजेक्शन को बुलवा लिया जाता है। बीबी जी, अमेरिका के डॉक्टर इंजेक्शन आ गए। डॉक्टर साहब, मरीज इधर है। हम तुमको ये इंजेक्शन दे रहा है, तुम अभी ठीक हो जाएगा। लेकिन चौखट चंद में कोई फर्क नहीं आया। कोई असर नहीं डॉक्टर साहब, चाचा चौधरी सबको बचाता है, शायद मुझे भी मरने से बचा ले। ये तो बुखार में यूं ही बड़बड़ा रहे हैं। आप मेरा कहा मानिए मालकिन, और ईरान के हकीम लुकमान को बुलवा लें, वो तो मरे हुए को भी जिंदा कर दे। उनको ही बुला लो। थोड़ी देर में हकीम लुकमान आ जाता है। लीजिए, नीम हकीम लुकमान को ले आया। लो मेरा ये फौलादी कुश्ता खा लो और शेर की तरह दहाड़ने लग जाओ। आपका कुश्ता भी बेकार गया। मेरी बीमारी कोई छोटी मोटी नहीं है, इसे सिर्फ चाचा चौधरी जैसा होशियार आदमी ही समझ सकता है। आप मैसूर के राजवेद चूना स्वामी को क्यों नहीं बुलाती? उनकी दवाई आज तक बेअसर नहीं हुई। राजवेद चूना स्वामी, लीजिए, मैं राजवेद चूना स्वामी को ले आया। लो मेरी अचूक संजीवनी बूटी चाट जाओ, फिर देखें। इसका भी कोई असर नहीं हुआ। अब कोई उम्मीद नहीं मालकिन, जब इन्होंने मरना ही है तो क्यों ना चाचा चौधरी को भी बुलाकर देख ले। थोड़ी देर में चाचा चौधरी वहाँ आ जाते हैं। लीजिए, चाचा चौधरी आ गए। डॉक्टर साहब, हकीम जी और राजवैद जी, पहले आप यह बताएं कि आपने मरीज को कौन कौन सी दवाएं दी हैं। हमने स्ट्रेप्टोमाइसिन, सल्फामाइसिन, क्रोसिन, विटामिन ए, बी, सी, डी, ई, जेड तक मिक्स करके इंजेक्शन दिया है। मैंने सोना भस्म, चांदी भस्म, लोहा भस्म, जमाल गोटा, जाफरान का कुश्ता दिया था। हमने आयुर्वेद की सारी जड़ी बूटियों को मिलाकर इसे चटा दिया। ये सुनते ही चाचा चौधरी के पसीने छूट जाते हैं। बाप रे, इतनी दवाइयों से तो अगर आदमी बीमार ना भी पड़ा हो तो भी पड़ जाए। चाचा चौधरी अपनी जेब से एक गोली निकालते हैं। लो भाई चौखट चंद, मेरी ये गोली पानी के साथ निकल जाओ और फिर 4 मील तक दौड़ लगा कर आओ, यही है मेरा इलाज। चौखट चंद चुपचाप गोली को ले लेता है। लो गोली तो निकल ली, अब दौड़ रह गई। और चौखट चंद उठकर घर से बाहर दौड़ लगा देता है। अरे वो तो सचमुच घोड़े की तरह दौड़ने लग गया। चाचा, आपने ऐसी कौन सी दवा दी जिसने जादू का असर किया? मैंने उसे कोई दवा नहीं, सिर्फ एक गुड़ की गोली दी थी। वास्तव में वह बीमार था ही नहीं, केवल उसके दिमाग में भ्रम था। उसे विश्वास था कि मैं ही उसे ठीक कर सकता हूँ, इसलिए आपके दवाइयों ने उस पर असर नहीं किया। कभी कभी दवाइयों से ज्यादा असर मनोविज्ञान करता है।